Assalamu alaikum. My name is Dr. Moazzam. I am consultant nephrologist and practicing in Islamabad, Rawalpindi. आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है आपसे डिस्कस करने के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो है स्टोन डिजीज़ेस. आज इस टॉपिक को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ अलामात जिससे आपको पता चल सकता है क्या किडनीज में स्टोन फॉर्मेशन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और सेकंड स्टेज में हम डिस्कस करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस जिससे पता चलता है कि अगर स्टोन्स हैं तो किस नौयत के हैं, और थर्ड में हम मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे कि क्या ऐसे अलामात या ऐसी चीज़ें की जाएँ जिसकी वजह से गुर्दों में पत्थरियों के बनने के अमल को हम रोक सकें. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या ऐसी अलामात होती हैं जो कि हमें पता चलती हैं कि गुर्दों में कोई पथरी का बायस बन सकती हैं. अमूमन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दर्द का होना. अक्सर पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनको एक तरफ या दोनों तरफ जो आपकी कमर है उसके निचले हिस्से में बैक साइड पर दर्द का मसला होता है. बाज़ औक़ात ये दर्द एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, और यही दर्द बाज़ औक़ात रेडिएट करते हुए मूव करते हुए आगे की तरफ यूरिन की तरफ जाता है और आपके लोअर एब्डोमेन पेट के निचले हिस्से में भी पेन का बायस बन सकता है. टिपिकल ये पेन उस वक्त ज़्यादा होती है अगर वो स्टोन किसी रुकावट में कर रहा हो और आपके यूरिन के पैसेज में कोई इशू हो रहा हो. इसको आप ऐसे समझिए, ये आपका गुर्दा है और गुर्दे के अंदर से एक ट्यूब जाती है जो नीचे जाती है मसाने के अंदर. अब अगर इस सारे प्रोसेस में किसी जगह पे भी कोई रुकावट आएगी तो उसकी वजह से गुर्दे में स्वेलिंग का मसला होगा, गुर्दा सूज सकता है और उसकी वजह से दर्द हो सकती है. तो सबसे नंबर वन इम्पॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स होती हैं वो आपकी दर्द का मसला होगा लोअर बैक एक में. इसी तरीके से जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हो सकती है कि यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, बाज़ औक़ात उसमें ब्लड का मसला आ सकता है, या दो तीन ड्रॉप्स आते हैं रेड कलर के जो कि यूरिन के साथ आते हैं, और आपको बाज़ औक़ात शदीद पेन होती है और इसी तरीके से आपको यूरिन करते हुए जलन का महसूस होती है. तो अगर ऐसी अलामत हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ पॉसिबिलिटी के किडनी स्टोन्स हैं और उसी की वजह से इन्फेक्शन, गुर्दों में सोजन ये हो रही है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं. अगर थोड़ी सी ज़्यादा अलामत होना शुरू हो जाएँ तो उसमें बाज़ औक़ात वॉमिटिंग, पेन और ये अलामत भी आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, यूरिन के पैसेज में ब्लॉक करता है और उसकी वजह से आपको उल्टियों का मसला हो सकता है. तो ये मेजर ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टोन्स के साथ लिंक्ड हैं और ये अलामत आपको नज़र आ सकती हैं जो भी पेशेंट आपके साथ किडनी स्टोन्स की बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसी तरीके से इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है. बाज़ औक़ात पेशेंट्स ये बताते हैं कि उनके ख़ानदान में पथरियों का मसला चल रहा था, वालदैन में से कोई इन्वॉल्व है, या इसी तरीके से बहन भाइयों में से किसी गुर्दों का मसला है और उसमें पथरियाँ बनती हैं. तो ये भी एक हेल्पफुल आपको मिल जाएगी कि हमारे जेनेटिक्स में चीज़ें शामिल हैं जो कि पथरियाँ या गुर्दों में पथरियों का बायस बन रही है. इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं जो कि हमें ये गाइड करे कि ये जो पथरियाँ बन रही हैं इसकी पीछे वजूहात क्या हो रही हैं. तो जो वजूहात इस सिलसिले में आती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि अगर हम पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हों, अगर पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेट करता है और चांसेस होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर यूरिन जमा रहे और वो पथरियाँ बनने का बायस बन सकता है. तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपकी वाटर इनटेक कम है, पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दीजिए और कोशिश करें कि तकरीबन 3 लीटर तक दिन में लाजमी पानी पिएं ताकि आपका यूरिन फ्लश होता रहे और यूरिन ठीक आता रहे और उसकी कंसंट्रेशन वहाँ डेवलप ना हो जिसकी वजह से पथरियाँ बन सकती हैं. सेकेंड जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंस के लिहाज से है वो आ जाती है मीट इनटेक. अगर आपकी प्रोटीन इनटेक ज़्यादा है, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड की वजह से भी पथरियों का मसले हो सकते हैं और ऐसा ऐसा वो पथरियाँ बाद में किडनीज को डैमेज करती हैं और रिकावर्ड का बायस बन सकती हैं. थर्ड नंबर पे जो चीज़ें आती हैं वो है सॉल्ट इनटेक. अगर आप में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है अपने डाइट के अंदर, खाने पीने के अंदर, तो वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इस सारी की सारी अलामत को बढ़ा देता है और आपके किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करता है, यूरिक एसिड के साथ मिलता है और पथरियाँ बनाना शुरू कर देता है.
तो ब्रॉडली अगर मैं आपको बता सकूँ तो तीन मेजर फैक्टर्स को आपने कंसंट्रेट ज़्यादा करने हैं, वाटर इनटेक, मीट इनटेक का इस्तेमाल कम और सॉल्ट इनटेक का इस्तेमाल भी कम, नमक का इस्तेमाल भी कम। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आप इस पर काम करेंगे तो लेस चांसेस हैं कि हमारे स्टोन फॉर्मेशंस हों और उसकी वजह से आगे जाके कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि ये किडनी ही के मसले हैं या नहीं है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, जिसको हम यूरिन RE कहते हैं, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे आपके किडनीज में इन्फेक्शन का मसला, उसमें प्रोटीन्स की लीकेज का मसला, ग्लूकोज का मसला और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का पता चल सकता है। और ये सिंपल सा टेस्ट होता है, अगर आप ये करवा लेते हैं तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है डॉक्टर साहब को, ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि आगे हमने कैसे मैनेज करना है। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड गुर्दों का होना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको ये पता चल सकता है कि गुर्दों के साइज़ कितने हैं, गुर्दों में कोई रुकावट का मसला तो नहीं आ रहा, गुर्दों में सूजन का मसला तो नहीं हो रहा। जो मैंने बताया था गुर्दों के नीचे से एक ट्यूब जाती है जो कि मसाने में खुलती है, क्या उस ट्यूब के अंदर कोई पथरी का बायस तो नहीं बन रही वो, और क्या नीचे जो मसाना है इसके अंदर कोई इन्फेक्शन, सूजन या पथरियों का बनना तो शामिल नहीं है। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड हमें हेल्प करेगा, हमें गाइड करेगा कि फर्दर हमने आपके मतलब क्या प्लान करना है और उसको फॉलो किया जाए। इसी तरीके से बाज़ अवकात ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि अल्ट्रासाउंड आपको बाज़ अवकात वो गाइड नहीं करता और बता नहीं पाता कि आपकी पथरियां हैं या नहीं है, क्योंकि पथरियों का साइज़ छोटा होता है। अगर ऐसा हो तो सूरत में हमें फिर एक सीटी स्कैन चाहिए होता है। सीटी स्कैन KUB कहा जाता है इसको, किडनी यूरेटर ब्लैडर। इसकी वजह से आपको बहुत मामूली स्टोन का, पथरियों का पता चल सकता है कि वो गुर्दे के किस हिस्से में है, उस ट्यूब में तो नहीं है या मसाने में, क्योंकि इसकी वजह से आपका सारा का सारा इलाज डिपेंड करेगा कि हमने सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है, क्या पथरी को रिमूव करना है सर्जरी करके, या हमने इसको लिथोट्रिप्सी श्वाओं के ज़रिए तोड़ना है, या फिर आपको मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयां दे के उसको ऑब्ज़र्व करना है कि आहिस्ता आहिस्ता पथरी निकल सके। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स, इसको मैं फिर बता देता हूँ। यूरिन RE करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लें और CT स्कैन, तो ये आपको गाइड कर सकता है पथरियों के मसले के हल के लिए। इसी तरीके से कुछ और बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें रीनल फंक्शन टेस्ट है आपके, RFT जिसे कहा जाता है, डायबिटीज़ का स्टेटस है उसको मोनिटर किया जाए, ब्लड प्रेशर है उसको ज़रा देखा जाए, क्योंकि दीज आर द अदर फैक्टर्स जो कि हमारे पथरियों का बायस बन सकते हैं, उसके मुताबिक हम काम करें। इसी तरीके से कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि पथरियां बनाने में मददगार साबित होती हैं, तो जब भी आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आप उनको ज़रूर गाइड करें कि आप कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके कि ऐसी मेडिसिन तो शामिल नहीं है जो कि पथरियों का बायस बन रही हो। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप ख़ुद उसका इलाज बिल्कुल ना करें और पेन किलर्स खाना शुरू ना कर दें कि दर्द का आराम आ जाएगा, बल्कि आप बकायदा किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर चेक कराएं ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सकें कि आगे अगर कोई पथरी है तो उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है, उसके रिमूव कैसे करना है और आइंदा के लिए हमने आपको पथरियों से बचा के कैसे रखना है। थैंक यू।